फोन में आवाज ही नहीं आती है। चलो जी ईद मुबारक। बताओ खतिया जी के हाथ का चिकन किस किस को अच्छा लगता है? पहले बनने तो दे तब पूछिए ये वाली बात। आप ही बताओ। बना रही है खतिया जी चिकन अम्मी के घर पे, क्योंकि इनके हाथ का चिकन सबको यहाँ पे अच्छा लगता है, इसलिए कौन सा वाला है? मेथी वाला, दही और मेथी, दही और मेथी वाला चिकन बन रहा है आज। दही मेथी स्पेशल चिकन चिटाफे वाला, सूखा सूखा सूखे सूखे तो वाला बने ग्रेवी वाला चटकमा देसी स्टाइल यूपी स्टाइल देसी स्टाइल चटकमा चिकन। तो अभी रात का बज रहा है 1 और मैंने चांद रात के दिन से ही ईद के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। तो ये मैं चिकन को भी अभी फ्राई करके रख रही हूँ और अखनी भी मैंने सोचा चलो अभी करके रख देती हूँ, फिर कल खाली भगाड़ने भगाड़ने रहेगी, फटाफट से फिर बनने के लिए रख दूँगी। तो इधर हमारी अखनी हो रही है और मैंने चावल जर्दे वाले चावल भी मैंने अभी भी गो दिए हैं, क्योंकि मैं कल जर्दा बनाने वाली हूँ। खीर अब की बार मैं नहीं बना रही हूँ, खीर इस बार मैंने कैंसिल कर दिया है, तो मैं बनाऊँगी जर्दा। तो ये मेरे जर्दे वाले चावल भी भीग चुके हैं, तो ये हमारी तैयारी स्टार्ट हो गई है। फिर मैं बिरयानी बनाऊंगी, तो बिरयानी का भी मैंने सारा सामान यहाँ पर ये मैंने कट करके रख दिया है, ये और ये देखिए मेरी मेहंदी बस थोड़ी रची है, क्योंकि फिर ना मैं जल्दी उठ गई थी, हबी के कपड़ों पे प्रेस करके दी थी और सीधे हाथ पे लगाई भी नहीं, रात इतनी हो गई थी, 2:30 बज गए थे, बच्चों के ही लगा दी थी तो सीधे हाथ पे नहीं लगाई। और मैंने ईद मुबारक वाली मेहंदी लगाई है, ये देखिए बस मेरा ज़र्दा रेडी होने वाला है, फिर इसके बाद में हम बिरयानी बनाएंगे और ना नमाज़ पढ़ कर भाई भी यहीं पर आएगा, क्योंकि हर साल नमाज़ के भाई नमाज़ पढ़ने यहीं पर आते हैं दोनों, तो अभी दोनों भाई आने वाले हैं यहीं पर नमाज़ पढ़ के, वो लोग आएंगे फिर उसके बाद यहाँ से फ्री हो के फिर हम लोग भाई के घर जाएंगे। तो गाइज अपने घर से तो ईद का खाना खिला विला के और जिसको देना था घरों में उनको देकर, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं अम्मी के घर के लिए। अब बाकी की ईद हम करेंगे भाइयों के साथ और अम्मी के साथ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पर। तो चलिए मिलते हैं अम्मी के और घर वालों के साथ में, भैया भाभी के साथ में। तो अपने घर की तो ईद मैंने कर ली है और ये खड़े हैं मेरे इंतज़ार में, ये खड़ी है हमारी फरारी की सवारी और हम जा रहे हैं। पहुंच गए हम अम्मी के घर पे। हमने सुना है यहाँ सब इंतजार बैठे हैं हमारे इंतज़ार में कि हम कब आएंगे, अपने
ना अपने घर पे पहले मैं निपटा के फिर यहाँ पर आई हूँ। तो अब देखेंगे कौन कौन यहाँ पे भूख। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सलाम अलैकुम। ईद मुबारक हो। हम भी है लाइन में। जाओ मिलो। कौन है? सलाम तो कर लो। सलाम अब फिर से कर लो। सलाम तुमने चेंज नहीं करे? लेट ही थी। जल्दी आ जा। जल्दी आ जा। एक यहंगी सलाम आ जा। इधर कौन कौन है? हर एक काम है। सलाम अलैकुम। ईद मुबारक हो। ये देखो ये और इनकी ईद है। हेलो और बाबा अलैकुम। गुरु जी फोन में आवाज ही नहीं आती है। चलो जी ईद मुबारक। ईद मुबारक। परवेज भाई से तो मिल लो। तो लिए तो फिर से मिल लो। शानू कहाँ हैं? वो चेंज कर रही हैं शायद। हो गए? हेलो मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ऐसी खड़ी हो जाओ। आपको भी आप सब लोगों को मुबारक। ऐसे इनकी ईद मिली जाएंगी। कच्चे रब्बा क्यों नहीं बनाए तूने कपड़े? हैरी पैंट क्यों उतारती ना तेरे को? जाओ मिलो ऐसी मिलो। ना ना मिल गया ऐसे। खाने में क्या बनाया है? खीर है और बिरयानी दही फुल्की और चटनी। और चटनी देखूं इसमें। कब बनाई थी? सुबह रात बनाई थी। ये क्या है? लाल वाली चटनी माय फेवरेट। लाल लाल चटनी काय में कबाब। और ये हैं दही फुल्की और ये है कबाब शामी कबाब। और वाओ क्या कलर आया है। क्यों पीसी है इतनी तेज मिर्ची? मैंने दो बार खा लिया अपने घर।
कौन है पतली? मेरे सामने एक रहती है ना, मैं हूँ पतली। मैं दूसरी के सी के दिए तो उसका टाइट तो नहीं हो जाती। तुम ना ना गया उसके कपड़े सी दिए पतली के। कौन पतली? नहीं थी वो दूसरी वाली पतली नहीं है। मैंने कहा क्या तो सही गई हो, होली के कपड़े आप लेके गई है। मैंने कहा तुम इतने दिन में कपड़े लेके जाओगी तो कहाँ से तुम्हारा साइज आ जाएगा? यही साइज होगा जैसा, और अब में फर्क नहीं हो गया। मुझे दे रहा हूँ। अरे रे, ये दे दिया ही इन्होंने मुझे। ये देखो मैं कह रही हूँ इससे गलत तो बहुत कुछ है। तुम क्या पसंद आता है उसके हाथ के कपड़े? आना आना आना। अरे वो मैं खा रही थी, वो तो हम चख रहे थे। चख पिनारे खा लिए वो तो हम चख रहे थे। सही हो जाती है हम तो मुझे नहीं, वो तो हमने चखा था। तो मैंने खाया ही नहीं है, मुझे कोई कह ही नहीं सकता मैंने खाया है। दानिश नहीं आ रहे? दानिश नहीं आ रहे खाने? दुश्मन मुझसे भी तो नहीं कह रहे तू खा ले। मेरी प्लेट अलग, बिल्कुल अलग अलग। किसने मेरा फोन तो उनके पास है, मकान से मैं रही। अच्छी बात है, कच्चे की भी बना लूं क्या? कच्चे अच्छे उबली भी आ गई, वो तुम्हारे हाथ में गोरा करना हमारे हाथ में। अरे यही होता है, इधर कफन मैलन नहीं हुआ, इधर दूसरी की तैयारी हो गई। तो फिर ऐसी काम ही क्यों कर रही है दूसरी के काम आने के? बताओ खतिया जी के हाथ का चिकन किस किस को अच्छा लगता है? तो अभी बताओ। तुमको अच्छा नहीं लगता है? हमने तो बोला नहीं है ऐसा कि भाई हमें। चिकन कितना है? डेढ़ किलो। प्याज कितनी लिए? कम से कम एक किलो थी। एक किलो प्याज। अब थोड़ी हल्की सी गुलाबी हो गई है, फिर चिकन डालूंगी इसमें। तो आज बना रही है खतीरा जी चिकन अम्मी के घर पे, क्योंकि इनके हाथ का चिकन सबको यहाँ पे अच्छा लगता है। इसलिए कौन सा वाला है? मेथी वाला? दही और मेथी। दही और मेथी वाला चिकन बन रहा है आज। दही मेथी स्पेशल चिकन चिटाफे वाला, सूखा सूखा सूखे सूखे तो वाला बने, ग्रेवी वाला चटकुमा देसी स्टाइल।
यूपी स्टाइल देसी स्टाइल चटकमा चिकन। मेरा यही हाल ज्यादा चलता है, और मेरा खाली इसी में नहीं हर चीज में बस एक कटिंग ऐसी है जो मैं सीधे हाथ से चलाती हूँ। तो शायद मन्नत भी तो उल्टे हाथ से ही काम करती है। मेरा सारा काम सबसे ज्यादा उल्टे से ही होता है। मुझे बाजी बहुत डांटती थी, बड़ी वाली बाजी नहीं बुढ़िया बाजी बहुत डांटती थी। चावल अगर बीनती थी ना उल्टा हाथ चला रही है चावलों में, राधा आज भी वही की वही साथ लगी रहे थे। हाँ बेटे किस उतार दो पायलों को चलानी अम्मी से खुलवा ली। कितनी देर भूना है? दो मिनट भूनने के बाद इसमें जीरा डाल दिया एक चम्मच है ना। तीन चम्मच मिर्ची। डेढ़ किलो है ना चिकन, डेढ़ किलो चिकन में 3 चम्मच मिर्ची, बाकी अपने स्वाद अनुसार जो जितना भी तीखा खाना पसंद करता है। बता रही हूँ कभी कोई कम मिर्ची खाता और वो 3 चम्मच डाल दे तो इतना तो चाहिए, मुंह फूक जाए। इतनी तो चाहिए, आधे किलो में 1 चम्मच मिर्ची बहुत थोड़ी। और नमक स्वाद अनुसार। मेथी और दही बाद में डालती है ये, है ना? जब ये मसाले साथ ही डाल देती है। थोड़ा सा 1/2 चम्मच कम अच्छा रहा। इनके बड़े अच्छे कलर आते हैं, इनके फोन में कलर आते हैं। इसी में बनेगी ग्रेवी, इन्हीं मसालों में। कितनी देर भुनेगा ये? तुमने ये लंबी लंबी प्याज काटी है, मैं छोटी छोटी काट लेती हूँ, वो जल्दी गल जाती है। हाँ तो वो सही है या ये सही है? आपको कस लेती होगी ना, अगर जल्दी का काम है जैसे बहुत जल्दी बनाना है तो वो वाला बना लो, उससे वो प्याज बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर ऐसी कोई टेंशन नहीं है तो ये वाली काट लो, क्योंकि ये तसल्ली सी बनाओ अच्छा भी लगता है। कम से कम इसे चाहिए आधा 1 घंटा तक, ऐसा तो अच्छा मिल जाएगा। ये बनता तो सब इसी में ही सर। क्या नाइजे के लिए गरम कर रही हो दूध और वैसे कर ही रही हो? अभी करा नहीं ना दूध। अच्छा दही कितने वाली थी ये? 15 वाली दही छोटी वाली। अगर ऐसा आइडिया नहीं हो तो मसाला डाल के 5 या 4 मिनट भून लो, फिर दही डाल दो। अब तो ये टाइम भी ज़्यादा हो गया, नहीं डाल रही हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं तो किचन में काम करती रहती हूँ, तसल्ली से बनाती रहती हूँ आराम आराम से। पहले मसाला भून जाए उसके बाद दही सही रहती है ना? ना साथ ही डाल देती हूँ ना, तो मसाला साथ में दही के साथ
मेथी भी गोभी मिर्च चला दूँ, बस फिर मेथी भी डाल दूँगी। सबसे लास्ट में बस हरी मिर्च डालती हूँ, भुनका ही ले लूँ। फोन एक दिन क्या तो रही थी कि मेरा ले ले, फिर अपने आप ही। अरे यही होता है, इधर कफन मैलक नहीं हुआ, इधर दूसरी की तैयारी हो गई। तो फिर ऐसी काम ही क्यों कर रही है दूसरी के काम आने के? बताओ खतिया जी के हाथ का चिकन किस किस को अच्छा लगता है? अभी बताओ। तुमको अच्छा नहीं लगता है? हिंदी बोल, हमने तो बोला नहीं है ऐसा। भाई हमें चिकन कितना है? डेढ़ किलो। प्याज कितनी ली है? कम से कम 1 किलो थी। 1 किलो प्याज। अब थोड़ी हल्की सी गुलाबी हो गई है, फिर चिकन डालूंगी इसमें। तो आज बना रही है खतीरा जी चिकन अम्मी के घर पे, क्योंकि इनके हाथ का चिकन सबको यहाँ पे अच्छा लगता है। इसलिए कौन सा वाला है, मेथी वाला? दही और मेथी। दही और मेथी वाला चिकन बन रहा है आज। दही मेथी, दही मेथी स्पेशल चिकन चटाखे वाला, सूखा सूखा, सूखे सूखे तो वाला बने, ग्रेवी वाला चटकमा देसी स्टाइल, यूपी स्टाइल, देसी स्टाइल चटकमा चिकन। और मेरा खाली इसी में नहीं, हर चीज में। बस एक कटिंग ऐसी है जो मैं कहती सीधे हाथ से चलाती हूँ, तो शायद मन्नत भी तो उल्टे हाथ से ही काम करती है। कितनी देर भुनाई? दो मिनट भूनने के बाद इसमें जीरा डाल दिया, 1 चम्मच है ना। तीन चम्मच मिर्ची। 1.5 किलो है ना चिकन, 1.5 किलो चिकन में 3 चम्मच मिर्ची, बाकी अपने स्वाद अनुसार जो जितना भी तीखा खाना पसंद करता है। बता रही हूँ, कभी कोई कम मिर्ची खाता और वो 3 चम्मच डाल दे तो इतना ही फूक जाए। इतनी तो चाहिए, 1/2 किलो में 1 चम्मच मिर्ची बहुत थोड़ी। और नमक स्वाद अनुसार। मेथी और दही बाद में डालती हैं ये, है ना? मसाले साथ ही डाल देती हैं। थोड़ा सा 1/2 चम्मच कम। कलर कितने अच्छे आ रहे हैं, इनके फोन बड़े अच्छे कलर आते हैं, इनके फोन में कलर बड़े प्यारे आते हैं। इसी में बनेगी ग्रेवी, इन्हीं मसालों में। देर भुनेगा ये? अभी भुनेगा ही, दही डाल के भी। अच्छा, भुनेंगे बस इसका जितना भी होगा।
तुमने ये लंबी लंबी प्याज काटी है, मैं छोटी छोटी काट लेती हूँ, वो जल्दी कट जाती है। हाँ हाँ, तो वो सही है या ये सही है? आप तो कस लेती होगी ना, अगर जल्दी का काम है जैसे बहुत जल्दी बनाना है तो वो वाला बना लो, उससे वो प्याज बहुत जल्दी बन जाती है। और अगर ऐसी कोई टेंशन नहीं है तो ये वाली काट लो, क्योंकि ये तसल्ली सी बनाओ अच्छा भी लगता है, कम से कम इसे चाहिए आधा एक घंटा तो ऐसा तो अच्छा मिल जाएगा। ये बनता तो सब इसी में ही है, या नाइजे के लिए गरम कर रही हो दूध और वैसी कर ही रही हो? अभी करा नहीं ना दूध। अच्छा, दही कितने वाली थी ये? 15 वाली दही, 15 वाली दही छोटी वाली। अगर ऐसा आइडिया नहीं हो तो मसाला डाल के 5 या 4 मिनट भून लो, फिर दही डाल दो। ये टाइम भी ज़्यादा हो गया, नहीं डाल रही हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं तो किचन में काम करती रहती हूँ, तसल्ली से बनाती रहती हूँ सब आराम आराम से। एक चीज़ पहले मसाला भून जाए उसके बाद दही सही सही रहती है ना? मैंने ना साथ ही डाल देती हूँ ना, तो मसाला साथ में दही के साथ मेथी भी, दो मिनट चला दूँ बस, फिर मेथी भी डाल दूँगी सबसे लास्ट में, बस हरी मिर्च डाल दूँगी। एक दिन क्या तो रही थी कि मेरा ले ले, फिर अपने आप ही दही डालने के बाद 10 मिनट पका है, 5 मिनट, 5 मिनट पका है ना, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट पकाने के बाद फिर ये मेथी डाल दी इसके ऊपर से, हरी मिर्च डालेंगे लास्ट में, तैयार हो जाएगा जब। ये बड़ी छमछम कर रही है, ये क्या पहन का, ये तो जितनी छमछम कर रही है, अच्छा ये यूं ही हंसती हंसती आ रही है, इतना मैं सोच रही हूँ ये हंस क्यों रही है, पगली ना, दिखाइए दिखाइए उसकी पहनी है, दिखाइए मेरी वाली है, ऑल एक बहन ना चाहिए ये, क्या पता क्या करेगी भाभी, इसको अपने के लिए वो दे दो, क्या वो क्या पायल थी ना, आपने बाजू से बनाई नहीं, यहीं से बनाई, हाँ ऊंची वाली मम्मी मेरी चौड़ी वाली, वो मम्मी उसके लिए कह रही थी ना, मम्मी वो तो नहीं जो मेरे पास भी तोड़े वाली है, हाँ इसकी दादा पाड़ी, मेरी 5 चैनों वाली है, कितने की बनी थी? 9,000 की, तो कह रही थी ना पायलों के लिए, तो मैंने कहा वो ऐसी वाली बनवा लो, कम से कम 20 मिनट तक ऐसे ही बनाना है, आँच पे ढक के रखो, ठीक है ढक दो, रुक रुक के चलाते रहो इसको, 20 मिनट के बाद मिलते हैं, बाय बाय। तो ये बना रही हैं और हम यहाँ पे बैठ के कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, ये इधर स्लिप और इधर बन रहा है चिकन, तो बाय बाय मिलेंगे अभी 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद में फिर दिखाते हैं। हरी मिर्च, हरा धनिया, दूध तरी के लिए, ये भी बनाने के लिए, आधा घंटा हो गया ना इसको पकते हुए, अच्छा कलर आया है पूरा रेड रेड, ऐसे रहने देती हो फिर दूध में डालती होगी फिर ग्रेवी के लिए, हम चाहिए ही नहीं होता दो जनों में, कहाँ क्या करेंगे, खाती नहीं फिर ये लोग ग्रेवी, इनको तो चावल से भी चाहिए होता है, देखो सही है ये, और चाहिए अभी देख लो एक बार, हाँ
आप देख लो अपने हिसाब से जैसे आप रख सकते हैं। अब सही लग रहा है रोटी के साथ तो बस यही रहने दो। हाँ तो फिर ऐसे ही रहने दो। कभी तार कह दें कि ना लगा दिया हो गया बस बन गया। दो मिनट बस और बनेगा ये ऐसे ही। अच्छा तैयार है वही बता दे। कोई बता दे कितनी ग्रेवी हो गई इसमें बगैर पानी डाले। ये सारा दही का पानी है ना। सारा दही डालने से इतना पानी निकल गया है। नमक डाला था ना। हाँ। कुछ तो चिकन में से ही निकला है और कुछ दही का है। पानी ग्रेवी वो डालते भी नहीं है ना पानी। अगर तरी की जरूरत हो तो दूध डाल लो बाद में। दूध गैस सिलो करके जो फटे नहीं है ना। या नहीं कैसे भी डाल लो नहीं फटता। नहीं फटता नहीं ऐसी हो जाती है। जितना भी जितनी भी तुम्हें तरी चाहिए इतना दूध डाल दो उसके हिसाब से और बस हल्की आंच पे बनने दो 5-6 मिनट। मतलब पानी नहीं डाले वो डाले पानी नहीं डालेगा इसमें दूध डलेगा। मुझे दूध वाला ही अच्छा लगता है। मेथी दे दो मुझे इसमें अभी से हल्की आंच पे भून दियो रोटी बन जाएगी एक तरफ। इसे थोड़ा टाइम तो चाहिए। रोटी बना लेंगे ना इधर होता रहेगा। हाँ। अभी बनेगा देर तलक। अच्छा तो आधा घंटा ले लेगा ये अभी। इतनी देर रोटी बनी हल्की आंच पे सील करके बिल्कुल होता रहेगा ऐसे ही। ये करके आ रही है। रुक रुक तू इतनी वीडियो रोक दी अपनी। जब मिर्ची डालूंगी मैं फिर जब